हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा कुक विद शोभा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हरी सब्जियों से ऊब गए हो या चटपटा खाने का मन करे तो आप ये सेव टमाटर की सब्जी जरूर बनाइए। इसे कई जगह गांठिया बोलते हैं और कई जगह इसे नमकीन सेव बोलते हैं। ये मोटी वाली सेव होती है और सभी जगह आसानी से मिल भी जाती है। पैन के अंदर मैं एक बड़ा चम्मच ऑयल गर्म कर लूंगी। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है तो उसे अच्छे से गर्म करना है, नहीं तो सरसों के तेल की कच्चे की स्मेल आती है। तो आप देख रहे हैं तेल के अंदर धुआं निकलने लगा है और मैं गैस की फ्लेम है उसको कम कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी राई। जैसे ही राई चटकने लगी है मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें जीरा। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज और एक हरी मिर्ची को काट लिया है। प्याज को मैंने बारीक काटा है और हरी मिर्ची को लंबा, तो ये डाल दूंगी इसके अंदर। यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और प्याज को अच्छे से भून लूंगी। आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियों को मैंने इस तरह से कूट के बारीक कर लिया है, तो ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ लहसुन को भी पका लेंगे। प्याज हल्का भून गया है, अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक बार चला लूंगी। हल्दी को अच्छे से पकाना है। एक चम्मच डाल दूंगी धनिया का पाउडर। यहाँ एक चम्मच ही मैं लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो इससे कलर अच्छा आता है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाले हैं वो जले नहीं। 2 टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहे तो मिक्सी में पीस के भी डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से काट के डालने से सब्जी का टेस्ट है वो काफी अच्छा होता है। तो मसालों के साथ में टमाटर को भी हम पका लेंगे। ढक्कन लगा के टमाटर को गलने तक पकने देते हैं। देखिए मसाले और टमाटर अच्छे से पक गए हैं, वापस तेल भी छोड़ दिया है। मसालों को हमें इतना पकाना है कि वापस तेल छोड़ दे, आप देख पा रहे हैं, तभी सब्जी का टेस्ट है वो काफी अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये आधा ग्लास नॉर्मल पानी है और एक उबाल आने देती हूँ। देखिए पानी है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, इसके अंदर एक उबाल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक इसमें कम डालना है क्योंकि नमकीन होती है, उसके अंदर भी नमक होता है तो कहीं आपकी सब्जी कड़वी ना बन जाए। मैंने ली है ये बेसन वाली सेव जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है और बेसन से आप घर पे भी बना सकते हैं, तो ये डाल रही हूं मैं इसके अंदर। मसाले के साथ इस सेव को मिक्स कर दूंगी और ढक्कन लगा के 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये सेव है वो फूल जाए। इसे राजस्थान के अंदर गांठिया बोलते हैं, हर जगह इसका अलग अलग नाम है। 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसका ढक्कन हटा लेती हूँ। ये सेव है वो फूल गई है, ये सॉफ्ट भी होती है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लूंगी। ये सेव टमाटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये कम टाइम में झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।